हेलो गाइज, कैसे हो आप? और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नया डिज़ाइन में थाल पोश, और तो उसमें मैं चार कलर यूज़ करूँगी, और क्रोशिया मेरा 3 नंबर का ही है, 3 mm क्रोशिया हुक। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये देखिए, सबसे पहले हम एक नोट लगाएंगे और फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद जो हमारा ये फर्स्ट वाला चैन है, यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करके 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3। और जो हमारा ये गोल सर्कल बना है ना, यहाँ पे हम डबल फंदा लेके और ट्रिबल क्रोशिया निकालेंगे इसके अंदर, 1 2 3। ये ट्रिबल क्रोशिया, फिर डबल फंदा, फिर इसके अंदर से ट्रिबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें पूरे 18 राउंड निकालने हैं इस गोल सर्कल के अंदर। तो 18 राउंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा ये 18 ट्रिबल क्रोशिया बन के रेडी है। और जो हमने ये चैन लिए थे 3, इसको यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, ऐसे। अब मैं ये देखिए, अब यहाँ पे धागा कट कर दूँगी, दूसरा धागा लगाऊँगी। तो दूसरा धागा भी इस पे एक पहले नोट लगाएंगे और इसको यहाँ पे जोड़ के पीछे की तरफ से ऐसे। अब 20 चैन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 चैन मेरे बन चुके हैं यहाँ पे। और फिर हमने वापस इसी में 20 चैन बना के वापस इसी में हमें ये जोड़ना है यहाँ पे ऐसे। फिर 20 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 चैन बना के फिर से हम इसी में ज्वाइन करेंगे इसको भी, और 20 चैन फिर बनाएंगे, तीसरा भी हम इसी में ज्वाइन करेंगे। बना रही हूँ अभी तीसरा। ये देखिए, मैंने इसमें 3 बार 20 20 चैन लेके जोड़ दिए हैं एक ही चैन में। फिर 2 चैन लेना है, 1 और 2। अब यहाँ पे हमें 1 2 ये 2 चैन छोड़ के तीसरे पे ज्वाइन करके और फिर से 20 चैन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फिर से वापस हम इसी में जोड़ेंगे ऐसे 3 बार 20 20 चैन बना के। एक बार ये हो गया, 3 हमने इसमें बनाए, 2 यहाँ पे चैन लिए, 2 चैन इधर छोड़ के तीसरे पे ये बनाया। फिर हमें इसमें 3 बार 20 20 चैन लेने हैं। तो इसको भी अभी दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने तीन इसमें भी बना दिए हैं चैन बीच बीच, फिर दो चैन लेने हैं और फिर एक दो तीसरे पे हमें फिर से ज्वाइंट करके ऐसे ही हमें 20 चैन फिर बनाने हैं। तो इसको पहले कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे 20-20 के चैन बना के तैयार हो गया है। अब फिर से दो चैन लेंगे, एक दो, और यहाँ पे इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम इसको जॉइंट करके सिंगल धागे से जोड़ के और धागा को कट करेंगे। यहाँ पे हमने दो चैन लिया और जोड़ दिया यहाँ पे और धागे को कट करेंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम तीसरा धागा जोड़ेंगे। पहले इसमें भी गांठ लगा लेते हैं और तीसरा धागा इसमें जोड़ते हैं यहाँ बीच से, और इसमें तीन चैन ले लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेके डबल फंदा लेंगे और एक त्रिबल क्रोशे निकालेंगे इसमें। ये देखिए अब ये दो हो गए। एक चैन ले लेंगे, एक फिर इसी में डबल फंदा लेंगे और यहाँ पे दो त्रिबल क्रोशे और निकालेंगे, एक डबल फंदा लेंगे और ये निकाल लिया। फिर अगले वाले में ये वाला है, यहाँ पे भी डबल फंदा लेंगे पहले और फिर यहाँ पे त्रिबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर डबल फंदा लेंगे, फिर यहाँ पे त्रिबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर यहीं पे अभी बीच में एक चैन ले लेंगे, एक, और फिर यहाँ पे दो त्रिबल क्रोशिया और निकालेंगे, एक डबल फंदा लेंगे, दो, ऐसे ही हमें दो यहाँ पे हो गए। फिर बीच में एक चैन लिया और दो यहाँ पे, एक हमने चैन लिया दो हो गए थे। ऐसे ही फिर अगले वाले में जाएंगे, वही त्रिबल क्रोशिया डबल फंदा और त्रिबल क्रोशिया। डबल फंदा लेंगे और यहाँ पे फिर से एक त्रिबल क्रोशिया, एक डबल फंदा लेके त्रिबल क्रोशिया, फिर बीच में एक चैन ले लेंगे और फिर इसी में दो बार त्रिबल क्रोशिया। ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करते हैं। पहले ये देखिए एक डबल फंदा और त्रिबल क्रोशिया, डबल फंदा, त्रिबल क्रोशिया, फिर दो दो डबल फंदे लेके यहाँ पे बीच में एक चैन बनाना है, फिर वापस दो बार इसी में त्रिबल क्रोशिया, फिर डबल फंदा, त्रिबल क्रोशिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हम इसको, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर दिया है। यहाँ पे जॉइंट करके तीन चैन ले लेंगे, एक दो तीन, फिर डबल फंदा, और जो हमने ये चार बनाए थे तो दो इधर छोड़ के, दो इधर यहाँ पे छोड़ के, यहाँ पे हम 8 त्रिबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में,
डबल फंदा लेंगे, फिर इसमें भी दो हो गए, तीन, फिर डबल फंदा, आठ बार ऐसे ही त्रिबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल फंदा, ये जो डिज़ाइन हमारा तैयार हो रहा है ये डबल फंदा और चेन से ही हो रहा है। तो कितने हो गए इसमें, दो, चार, छः, और आठ, ये देखिए ये आठ हमने डबल फंदा लेके त्रिबल क्रोशिया बनाए हैं। अब जो हम दो इधर छोड़ने हैं, ये वाले और दो ये वाले, यहाँ पे ये आठ त्रिबल क्रोशिया तैयार हो गया है। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, ये सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे, और इधर मैंने आठ त्रिबल क्रोशिया बनाए थे। और जो हम नीचे एक 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 चैन बना रहे थे, यहाँ पे फिर हमें डबल फंदा लेके त्रिबल क्रोशिया आठ बनाने हैं। तो इसको भी अभी तैयार करके दिखाते हैं। पहले देखो, एक, फिर डबल फंदा लेंगे, दो, फिर डबल फंदा लेंगे, तीन, ऐसे ही हमें इसमें भी आठ बनाने हैं। दो, चार, दो, चार, छः, सात और एक, आठ। फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बांधना है, और फिर यहाँ पे हमें फिर से आठ त्रिबल क्रोशिया बनाने हैं। तो राउंड को पूरा करते हैं पहले। ये देखिए मेरा ये भी राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसमें दूसरा धागा लगाऊंगी। जो हमने आठ नीचे चैन बनाए थे, तो दो, चार, चार के बीचों बीच में हम इसको जॉइंट करेंगे, और इसमें दस चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दस चैन बनाने के बाद हमने चार इधर छोड़ने हैं और चार ये वाले। फिर हमारा जो ये बीच में आ गया जहाँ पे हमने ये बनाए थे, ऐसे जोड़ के फिर दस चैन लेने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। फिर चार इधर छोड़ के, चार इधर छोड़ के यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ऐसे ये देखिए मेरा ये राउंड भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसको तो हम यहीं पे जॉइंट करके, ये जॉइंट कर दिया है मैंने यहाँ पे, और अब मैं धागा कट करके यहाँ पे ये बांध लिया है, और फिर इसी धागे को फिर से यहाँ पे गांठ लगा के और यहाँ पे जॉइंट करेंगे बीचों बीच में। ये जॉइंट करके इसमें इसमें तीन चैन ले लेंगे, एक ले लिया था, दो, तीन। अब फिर से डबल फंदा लेंगे और यहाँ पे
त्रिबल क्रोशिया निकालेंगे 6 बार। एक हमारे चैन हो गया था, ये भी गिना जाएगा, और एक ये हो गया, 2 3, फिर डबल फंदा 3 हो गए हैं, 4, 5, 6 हो गए। फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर इस ऐसे ही डबल फंदा लेके नेक्स्ट वाले पे 6 त्रिबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे ही हम पूरा बनाएंगे, डबल फंदा लेके 6 त्रिबल क्रोशिया इनमें। तीन, चार, पांच और 6। फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 4 5, और फिर यहाँ पे वही ये त्रिबल क्रोशिया वाला। तो राउंड को पहले कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये वाला राउंड भी मेरा कंप्लीट हो ही गया है, और इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे और धागा को कट करेंगे। मैं भी धागा कट करके फिर मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। ये वाला कलर यहाँ पे भी एक नोट लगा लेंगे, और जो हमारे 6 6 त्रिबल क्रोशिया बन के आ रहे थे, तो जो 3 है, 1 2 3, 1 2 3, तो बीचों बीच से इसको ज्वाइन करेंगे और इसमें 30 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30। 30 चैन हमारा ये बन चुका है। तो वापस इसी में हमें इसको जोड़ना है, जैसे हम नीचे बनाए थे 20 20 चैन वाले, ये ऊपर 30 30 चैन हो गया, जोड़ दिया है। फिर बनाएंगे 30 चैन, 3 बार बनाने हैं, एक हो गया, अभी 3 बार बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 3 बार बना दिए हैं 30 30 चैन। अब फिर यहाँ पे 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चैन लेने के बाद फिर हमारे यहाँ पे बीचों बीच में फिर 30 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये देखिए, 3 मैंने इसमें बना दिए, 3 ये बन गए थे। और फिर से 5 चैन लेके, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम 30 चैन बनाएंगे, जैसे इनमें बनाए हैं। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैं एंड में आ चुकी हूँ, और यहाँ पे फिर 5 चैन ले लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इसको जॉइंट करके धागा कट कर लेंगे, और धागा कट करने के बाद दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए, अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। 30 30 चैन मैंने
एक इसमें बनाए थे चैन में, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे नया धागा लगाऊंगी। और धागे को मैं यहीं से जोड़ देती हूँ। इसे यहाँ पे जोड़ दिया और इसमें तीन चैन ले लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन ले लिया। यहाँ पे डबल फंदा लेंगे और त्रिबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर बीच में तीन चैन लेने हैं, एक दो तीन, फिर डबल फंदा लेंगे और फिर त्रिबल क्रोशिया वापस यहीं पे दो बार। अब यहाँ पे चार हो गए, चार त्रिबल क्रोशिया। फिर ये अगले वाले में डबल फंदा लेंगे और यहाँ पे त्रिबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो बार बनाएंगे, पहले इसमें डबल फंदा लेके त्रिबल क्रोशिया और फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और वापस फिर इसी में डबल फंदा लेके दो त्रिबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए फिर यहाँ पे डबल फंदा लेंगे और ये वाला यहाँ पे त्रिबल क्रोशिया, एक दो, दो त्रिबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में तीन चैन लेने हैं, एक दो तीन, फिर यहीं पे दो बार और ऐसे ही हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ पूरा। तो ये देखिए मेरा अब ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा लास्ट वाला राउंड बचा है जो मेरा लास्ट रहेगा। तो पहले इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं, जॉइन करके तीन चैन ले लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेके डबल फंदा लेंगे, फिर यहाँ पे त्रिबल क्रोशिया निकालेंगे ऐसे, एक एक हो गया। इसमें हमने आठ त्रिबल क्रोशिया बनाने हैं, दो तीन, डबल फंदा ही लेना है हर उसमें, चार डबल फंदा, पांच, छह, सात और यहाँ पे आठ, आठ त्रिबल क्रोशिया ये बन चुके हैं। और यहाँ पे हम सिंगल चैन से ही ऐसे इसको बांध लेंगे, फिर डबल फंदा लेके अगले वाले में भी आठ त्रिबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ त्रिबल क्रोशिया हम यहाँ पे भी, और फिर ये वाला
सिंगल क्रोशिया से बांधना है। फिर नेक्स्ट वाला वही डबल फंदा लेके इसमें ऐसे ही हम पूरी राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए करते हैं कंप्लीट। ये देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे जो हमने तीन चैन लिए थे उस पे जॉइंट कर लेते हैं। लास्ट वाले पे जॉइंट करके और मेरा ये वाला राउंड अब कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।